हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो टुडे आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम हैज़ बीन कंडक्टेड इन ऑल इंडिया बेसिस। हियर आई प्रोवाइड द सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस ऑफ आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम। सम कैंडिडेट हैव अटेम्प्टेड 90+ क्वेश्चंस इन दिस एग्जामिनेशन एंड मेनी ऑफ देम हैव अटेम्प्टेड 80+, बट द एक्यूरेसी इज़ मेन फैक्टर इन दिस एग्जामिनेशन। The exam is easy to moderate level, so all candidate attempt is very high. Now we see what type of question comes in this exam. So firstly we see quant, then reasoning, and lastly we see English section. Quant 1DI question asked, जो कि line graph दिया हुआ था, और simplification रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, और मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क SICI इन पर क्वेश्चन बेस्ड थे। 10 क्वेश्चन आए हुए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं आई थी। तो अब देख लेते हैं रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह का लेवल पूछा गया था। और हाँ, मैथ का गुड अटेम्प्ट जो है वो 30+ क्वेश्चंस आप लोग आसानी से बना सकते थे आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम में। तो अब रीजनिंग में देख लेते हैं, सिलॉग के 3 क्वेश्चन आए थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन आए थे, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, 3 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आई थी जिसमें 8% सर्कुलर अरेंजमेंट थी जिसमें सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे, और मंथ बेस्ड पजल थी, लीनियर पैरेलल रो पजल थी जिसमें 10 पीपल थे, 5 साउथ देख रहे थे और 5% जो है वो नॉर्थ देख रहे थे। तो ये जो एग्ज़ाम की शिफ्ट थी, ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था जो कि 9 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आई थी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आए थे 3, और नंबर बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चन आए थे, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पूछी गई थी जिसमें 3 अल्फ़ाबेट दिए हुए थे जिसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो आप देख लेते हैं, लास्टली वी सी दैट इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश में क्या पूछा गया, इंग्लिश वैसे इजी लेवल की थी, स्टोरी बेस्ड RC आया था। तो देख लेते हैं, इंग्लिश में स्टोरी बेस्ड RC पूछा गया था जिसमें स्टोरी ऑफ ए गर्ल हु वाज अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, इस पर इसके ऊपर एक RC पूछा गया था, और उसी में सिनोनिम एंटोनिम के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट आया था 5 नंबर का, फिलर्स सिंगल पेस्ट फिलर्स आए थे 5 नंबर के, स्पेलिंग एरर आई थी 5 नंबर की जिसमें आपको बताना था 4 स्पेलिंग दी हुई थी कि कौन सी इनकरेक्ट है, और सेंटेंस करेक्शन आए थे जिसमें आपको 5 सेंटेंस दिए हुए थे जिसमें 1 सेंटेंस करेक्ट था तो उसका आपको आंसर करना था। तो आप देख लेते हैं माई अटेम्प्ट में मैंने कितने अटेम्प्ट किए। तो मैंने बनाए क्वांट में 32, रीजनिंग में 34, और इंग्लिश में 30। तो टोटल जो अटेम्प्ट है वो 96 है, टोटल अटेम्प्ट 96 है। आप देखते हैं कट ऑफ कितना है, और कट ऑफ की बात कर देता हूँ तो कट ऑफ शुड बी बिटवीन 85 to 95। RBI असिस्टेंट एग्ज़ाम में वैकेंसी बहुत कम है तो कट ऑफ जो है वो 85 से 95 के बीच जाएगी, 85 to 95। तो ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। थैंक यू।